नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रिचा शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उससे पहले सभी पार्टियों की तैयारी अपने अपने हिसाब से चल रही है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, उसके साथ सभी कैंडिडेट के नाम का अनाउंसमेंट भी हो चुका है। लेकिन इसी बीच अब बारी है जनसभाओं की। सभी पार्टियों की तरफ से कमवेश प्लानिंग भी कर ली गई है कि कहां पर किस मैदान से गरजना है और किस तरीके से अपना हिसाब किताब जनता के समक्ष रखना है और जनता का भरोसा जीतना है। इसी बीच एक तस्वीरें सामने आई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी की तस्वीरों में देखिए किस तरीके से वो घर में हलवा बनाते नजर आ रहे हैं। अब तस्वीरें जिस तरीके से सामने आई, ऐसे में ये भी पता चलता है कि जीतन राम मांझी ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि अब उनकी जरूरत है, क्योंकि उनका चुनाव चिन्ह कढ़ाई है और ऐसे में कढ़ाई में हलवा बनाकर उन्होंने कहीं ना कहीं वोटरों के मिजाज को टटोलने की कोशिश तो की, लेकिन ये बताने की कोशिश भी की कि अब कढ़ाई की जरूरत है। कढ़ाई के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है। किचन का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो है कढ़ाई, जिसमें हम खाना पका पाते हैं। ऐसे में कढ़ाई की जरूरत है और जिस हिसाब से किचन के लिए कढ़ाई की जरूरत है, आम आदमी के लिए उसके जिंदगी में कढ़ाई की जरूरत है, वैसे ही जीतन राम मांझी के लिए सभी लोगों के वोट की जरूरत है और बिहार में जीतन राम मांझी की पार्टी की जरूरत है। यानी कि संदेश देने की कोशिश की गई कि जरूरत है, कढ़ाई की जरूरत है और कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने तस्वीरें पेश कर उसमें हलवा बनाकर ये बताने की कोशिश की कि अब जो लोग हैं, जो जनता है, वो जीतन राम मांझी को वोट दे। अपील करने का ये अलग तरीका आप कह सकते हैं। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इसके साथ इमामगंज सीट से इस वक्त चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और कहा जा रहा है कि हमेशा से वो इमामगंज सीट से ही चुनावी रण में उतरते रहे। हालांकि उनकी करारी हार भी देखने को मिली है, लेकिन इस बार का समीकरण क्या कहता है ये तो वक्त बताएगा। क्या जीतन राम मांझी पूरे जोर शोर के साथ चुनाव में उतर पाते हैं और जीत सुनिश्चित कर पाते हैं, क्योंकि पहले महागठबंधन का हिस्सा थे, उसके बाद NDA में उनकी घर वापसी होती है। नीतीश कुमार ने अपने हिस्से से, यानी कि JDU ने अपने हिस्से से 7 सीटें जीतन राम मांझी को दी है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को दी है। ऐसे में एक सीट पर जीतन राम मांझी खुद चुनावी रण में उतर रहे हैं और वो सीट है इमामगंज सीट। देखना दिलचस्प होगा कि क्या जीतन राम मांझी चुनावी रण में पूरे तरीके से ताल ठोकने में कामयाब हो पाते हैं, क्या उनकी जीत सुनिश्चित हो पाती है, क्योंकि इससे पहले सीट से वो हार चुके थे और इस बार उसी सीट से दोबारा चुनावी रण में उतरे हैं। तो ये वक्त बताएगा कि जीतन राम मांझी पर लोगों का कितना भरोसा है। लेकिन उससे पहले उन्होंने खाना बनाकर, हलवा बनाकर ये बताने की कोशिश की कि कढ़ाई की जरूरत है, ऐसे में जीतन राम मांझी को वोट दिया जाए। देखना दिलचस्प होगा कि उनकी रणनीति कितना कामयाब हो पाती है और क्या चुनाव में जो नतीजे हैं उस पर इसका प्रभाव हो पाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।